शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर तैयार है और पुलिस भी फोर्स देने को तैयार। पहले अतिरिक्त फोर्स की तैनाती को लेकर मामला अटका था और अब पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई इस अभियान को चलाने के लिए। 9 मई की तारीख पहले से ही शाहीन बाग के लिए तय थी। सुबह 11 बजे एमसीडी की बड़ी कार्रवाई होनी है। आपको बता दें अतिरिक्त पुलिस बल के लिए अपील की गई थी कि अतिरिक्त बल मिले ताकि स्थिति वहां पर सामान्य रहे और अतिक्रमण को भी हटाया जा सके। तो दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर तैयार है और पुलिस भी फोर्स देने को तैयार है। पहले अतिरिक्त फोर्स की तैनाती को लेकर मामला अटका दिख रहा था, लेकिन अब तैयारी पूरी दिख रही है इस अभियान को लेकर। 9 मई की तारीख पहले से ही शाहीन बाग के लिए तय की गई थी। कहा गया था कि 9 मई को वहां जो अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाएगा। तो दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलना है। सुबह 11 बजे यानी अब से एक घंटे बाद वहां पर बड़ी कार्रवाई होगी। जो अतिक्रमण हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से अतिरिक्त बल भी मिलेगा। हालांकि पहले यह दलील दी गई थी कि और जगहों पर भी पुलिस की तैनाती की गई है और इसलिए शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए अतिरिक्त पुलिस की जो आवश्यकता कही गई थी वो नहीं मिल पाएगी। निगम के सर्वे के बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें बकायदा एक सर्वे किया गया जिसमें ये देखा गया कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, वो इलाके चिन्हित किए गए जहां पर ज्यादा अतिक्रमण हो गया है और सुबह 11 बजे आज शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल, शाहीन बाग में आज जो है 11 बजे से एक्शन शुरू हो जाएगा और हमें पर्याप्त पुलिस बल मिलने की उम्मीद है, जैसा कि हमारे को पुलिस अधिकारियों ने आश्वस्त किया है। और इसको लेकर के हमारे कर्मचारी और हमारे अधिकारी मुस्तैदी के साथ काम के लिए तैयार हैं। हमारी टीम समय से पहुंच जाएगी, हमारे जेसीबी, हमारे ट्रक, सब चीजें ऑर्गेनाइज की हुई हैं, व्यवस्था की हुई है और हमारे कर्मचारी पूरी तरह से अपने काम में और लगन के साथ करने के लिए तत्पर है।